धागे पर सिटिंग कोरियोग्राफी ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ आप सबके लिए आज के इस ब्लॉग में। बहुत ही सिंपल से मगर ब्यूटीफुल से स्टेप्स सिखाने की कोशिश करी है मैंने। आई होप आप सबको जरूर पसंद आएगा। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ट्यूटोरियल देखने से पहले गाना जरूर ध्यान से आप सुन लीजिएगा, उससे आपको हेल्प मिलेगी ट्यूटोरियल में सिखाए स्टेप्स को आसानी से फॉलो करने में। प्यारे से गाने पे पूरा डांस म्यूजिक के साथ मैंने अपलोड किया है अपने दूसरे डांस चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम आज का डांस ट्यूटोरियल। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो सबसे पहले म्यूजिक आता है, उसमें कैसे करना है, हमें दोनों तरफ हैंड्स को ऐसे स्विंग करना है आपको, एक बार लेफ्ट एक बार राइट। ये देखिए, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, बहुत सॉफ्टली आपको अपने हैंड्स स्विंग करने हैं कुछ इस तरह से। चार बार करना है ये हमें, बट ये बैक में करना है। अब देखिए बैक में कैसे करेंगे, इस तरह से आप पीछे बैठ जाएंगे, घूम जाएंगे और 1 2 3 4 ये हैंड्स को इस तरह से आप स्विंग करेंगे। के बाद गाना शुरू होगा, कैसे करना है हमें, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। ये स्टेप भी पीछे ही हो रहा है, मगर मैं आपको पहले स्टेप समझाती हूँ आगे घूम के। देखिए कैसे करना है, पहले आपका जो राइट हाथ है वो कॉर्नर में जाएगा, फिर लेफ्ट वैसे ही, और राइट हाथ को सर के ऊपर से उठा के खींचना है लेफ्ट हाथ की तरफ से इस तरह, और फिंगर्स ऐसे ज्वाइन कीजिए, और फिर दोनों हाथ ऊपर लेके इस तरह से ऊपर नीचे आप करेंगे सर के ऊपर, और फिर एक राउंड घुमा के हाथों को होल्ड कर लेना है। देखिए इस तरह से, फिर से देखिए, राइट लेफ्ट, फिर ये हाथ खींचा, फिर दोनों हाथ ऐसे ट्विस्ट किए गोल घुमा के, और फिंगर्स को पकड़ लिया, और साइड वाला आपको फेस देना है। अब देखिए ये स्टेप पीछे देखिए कैसे हुआ, ये मोह मोह के दागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, और साइड में देखेंगे, और दो स्टेप लेते हुए हम आगे आ जाएंगे, और हाथों को हमने पकड़ा हुआ है। ऑलराइट, इस तरह से हाथों को होल्ड किया है और आगे आ गए। अब देखिए हाथों को ऊपर ही होल्ड करना है, गाना शुरू होता है, तू हो गजर पागल तूने मुझको है चुना। ये देखिए गाना यहाँ पे आपका ऐसे आया। अभी हमने कैसे किया, हम पीछे से आगे आए थे, हाथों को ऊपर होल्ड किया हुआ था, फिर आपका जो राइट हाथ है वो सीधे फिंगर पॉइंट करते हुए आपको सीधा पॉइंट आउट करना है स्लोली, और फिर जो आपका राइट हाथ था जिससे आपने पॉइंट आउट किया था उसी से माथे पर एक बार ऐसे टच करना है सॉफ्टली, फिर दोनों हाथों को कंधे पे रखते हुए इस तरह से आपको अपने जो कंधे हैं शोल्डर्स हैं उनको शेक करना है, और फिर जैसे आपके सामने मिरर है हाथ को एक मिरर की तरह बनाइए, और एक हाथ से ये सिंदूर लगाते हुए उस हाथ को पीछे आपको स्ट्रेच करना है। सॉफ्टली एंड स्मूथली। ऑलराइट, अब इसके बाद क्या होगा कि आपको टर्न करके आगे आ जाना है फ्रंट में। आप अभी साइड में थे, अब आप फ्रंट में आ जाएंगे, एंड गाना शुरू होता है, फिर से यही आता है, तू हो गजर पागल तूने मुझको जो चुना, और ये म्यूजिक आता है 1 एंड 2। ऑलराइट, ये हमने कैसे किया देखिए ध्यान से, बैक से फ्रंट में आने के बाद हम दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड करके बैठ जाएंगे, फिर कैसे करना है, दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ इस तरह से घुमाते हुए हमें राइट टू लेफ्ट जाना है। और राइट सिंपल, बस दोनों हाथों को ऐसे टर्न करना है एंड राइट टू लेफ्ट वेव लीजिए, फिर तू होगा जरा पागल, उसमें हमने कैसे किया है, राइट हाथ से पहले हम इस तरफ करेंगे, फिर लेफ्ट हाथ से हम दूसरी तरफ करेंगे, तूने मुझको, तूने में आप फिंगर निकालिए सामने पॉइंट आउट कीजिए, मुझको है चुना, तो दोनों हाथों को आप ऐसे चेस्ट के पास बंद करेंगे और स्लोली हल्के हाथ से ओपन करेंगे। याद रखिए इस गाने में नज़ाकत की बहुत ज़रूरत है, और ओपन करने के बाद दोनों हाथों को ऐसे खोल के
आप लेफ्ट और राइट की तरफ ले जाएंगे। राइट, फिर से देखिए एक बार। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। और फिर ये म्यूजिक आया, ये आपने हाथ ऊपर नीचे खोला, ओके, छोड़ा था कहाँ पे, तूने मुझको है चुना, इस तरह हाथ बांधे थे और हाथों को ओपन किया था। इसके बाद आता है म्यूजिक, दो बीट्स आती हैं, उसमें कैसे करना है, वन एंड टू। क्या किया हमने इसमें, एक बार राइट हाथ आगे करा, एक बार लेफ्ट हाथ आगे करा सॉफ्टली, ये म्यूजिक आ गया। अब इस म्यूजिक के बाद दूसरी लाइन आती है, कैसे तूने आने कहा, तूने अन सुना साप सुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे किया ये हमने, देखिए हमें लेफ्ट हाथ पहले ऊपर रखना है, सेम है, हमें क्या करना है, लेफ्ट हाथ हमने ऊपर रखा और राइट हाथ को वेव्स बनाते हुए इस तरह से आप नीचे लाए साइड में, फिर उसके बाद हाथों को ऊपर खींचना है सिंपली, जो आपके कथक का स्टेप होता है, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, और यही चीज़ रिपीट करनी है आपको साइड में, वन टू नीचे, वन टू, इस तरह से ये चार बार टोटल होगा ये स्टेप, वन टू वन टू। इसके बाद दो बार करने के बाद ये आपका आएगा, ये स्टेप थोड़ा फास्ट लीजिएगा, इसके बाद आएगा तूने अन्य कहा सब सुना, सब सुना, सब में आप सिंपल हाथ को आगे लेके जाएंगे, थोड़ी सी बॉडी आप बेंड कीजिए और ये कान के पास हाथ रखिए, जो आपने ईयर के पास ये हाथ रखा है यहीं से हम शुरुआत करेंगे। फिर से आएगा तू होगा जरा पागल, तो यहीं से हाथ हिलाते हुए आप सामने लाए और पागल में आपको दोनों हाथों को सर के ऊपर घुमाना है। कैसे, आप ये हाथ लेके ईयर के पास लाए थे, अब यही हाथ को थोड़ा सा शेक 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 करते हुए सामने लाइए, तू होगा जरा पागल, इस तरह से हम ये करेंगे, ये शेक शेक करते हुए हम आगे लाए और दोनों हाथों को सर के ऊपर से इस तरह से घुमाना है पागल में, तू होगा जरा पागल, फिर तूने मुझको, ये दोनों हाथों को हमने लेफ्ट और राइट को एक दूसरे के ऊपर रखा और फ्रंट में ये स्टेप करेंगे हम, दोनों हाथों को ऊपर नीचे करना है और फिर मुझको है चुना। ये बहुत ही स्लो जाएगा क्योंकि यहाँ आपके फेशियल एक्सप्रेशन इस गाने में बहुत ज़रूरी हैं और सिटिंग कोरियोग्राफी है तो हाथों का सारा खेल है। तो देखिए दोनों हाथों को आपने ऊपर नीचे किया और धीरे से फेस को साइड में आपने टर्न किया और एक हाथ को फेस के ऊपर रखा, ओके। सॉन्ग का आएगा फर्स्ट पैराग्राफ, कैसे आता है देखिए, तू दिन सहे मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह। यहाँ पे जो म्यूजिक है वो स्ट्रेच हो रहा है, ओके। अब देखिए ये हमने कैसे किया, सबसे पहले आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है, लेफ्ट टू राइट वन, देन राइट टू लेफ्ट टू, और आपका जो फेस है आप जिस तरफ अपने हैंड्स लेके जा रहे हैं उसी तरफ आपका जो चेहरा है वो जाएगा, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा तभी स्टेप ब्यूटीफुल लगेगा। सो वन एंड टू, वन एंड टू, दो बार ये स्टेप होगा। फिर ये गाना आता है तू दिन सा है, तो तू में तो आपने ये हाथों को लेफ्ट टू राइट लेके गए, फिर दिन सा है, जैसे हम धूप से अपने फेस को बचाते हैं, हाथ रखा अपने फेस के सामने और थोड़ा सा हाथ खोल के हमने साइड में देखा, फेस भी उस तरफ कीजिएगा। उसके बाद तू दिन सा है मैं रात, दोनों हाथों को इस तरह से बंद करना है चेस्ट पे और फिंगर्स को मूव करना है कुछ इस तरह से, दो बार देखिए इस तरह से आप फिंगर्स मूव करेंगे विद शोल्डर्स टू टाइम्स, ओके। और फिर उसके बाद दोनों तरफ एक एक हाथ खोलेंगे लेफ्ट राइट और फिर वापस हाथ लाए और ये राउंड घुमा के ऊपर किया और फिर फिंगर्स को इस तरह से आपको ज्वाइन करना है। फिर से देखिए कैसे किया था हमने, तू दिन सा है मैं रात आ दोनों मिल जाएं, इस तरह से आपने फिंगर्स ज्वाइन किया, ओके।
और फिर वेव्स बना के दोनों हैंड्स की 3 times आपको साइड में हो जाना है। म्यूजिक स्ट्रेच हुआ तो हाथ ऊपर आपने किया, इस तरह से नीचे लाए 1 time, फिर से देखिए, फिर सर के ऊपर से हाथ घुमाते हुए नीचे राइट, फिर सर के ऊपर से हाथ घुमाते हुए नीचे लेफ्ट, और फेस जो आपका है वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा, यानी कि लेफ्ट साइड और ये राइट में, इस तरह से आपको ये करना है। ओके okay. एक है रोम रोम एक तारा जो बादलों से गुजरे। ऑलराइट, ये हमने कैसे किया, देखिए एक फिंगर आपने पॉइंट करी सामने कॉर्नर पर और फेस आपने अपोजिट डायरेक्शन में रखना है 1, फिर उसे घुमाइए और नीचे लाइए धीरे से एंड छोड़ दीजिए, फिर से फिंगर अपोजिट नीचे एंड छोड़ दीजिए, फिर दोनों हाथों को साथ में लाके एक दूसरे के ऊपर आप रखेंगे 1 2 3 4। ओके, फिर से देखिए ये स्टेप एक बार, कैसे किया हमने, हमने दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखा है और 4 times 1 2 3 4, और फिर एक जो आपका लेफ्ट हैंड है उसको थोड़ा सा टेढ़ा करिए और राइट हैंड से फिंगर की हेल्प से आपको ऐसे चलने वाला जो स्टेप है वो बनाना है, और फिर वहीं का वहीं हम जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हमने रखा था उसकी हेल्प से हम वॉयलिन बनाएंगे। हाथ को आप साइड में पकड़िए और राइट हाथ से आप उसे ऐसे वॉयलिन की तरह बजाएंगे। यहाँ पे एक अलाप आ रहा है, म्यूजिक स्ट्रेच हो रहा है, उसमें हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को राइट साइड हैंड को राइट तरफ और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट की तरफ ओपन अप करना है, सिंपल। रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे, और ये आ गया आपका वॉयलिन और यहाँ पे आ गया अलाप। ओके, अब इसके बाद हमारा जो मुखड़ा है वो दोबारा से रिपीट होता है, उस पे है डिफरेंट स्टेप्स, देखिए कैसे करना है। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। ओके, अब मैं दिखाती हूँ कि कैसे करना है इसको। ये दोनों हाथों को आपने राइट और लेफ्ट को 2 बार आगे पीछे करना है फेस के साइड में, और ये धागे की तरह दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए साइड में लेके जाएंगे। इस तरह से आप हाथ से धागा पकड़ते हैं, उस तरह का आपको स्टेप बनाना है। कैसे, मोह मोह के धागे, धागे की तरह इसे स्ट्रेच कीजिए और फिर दोनों हाथों को ज्वाइन करके फिंगर्स को हमें ऐसे मूव करना है, और थोड़े से अपने शोल्डर्स को भी आपको शेक करना है। ऑलराइट, और हाथों को एक साथ रख के फिंगर्स को इस तरह घुमाइए और फिर उलझे में 2 fingers, दोनों हाथ के 2 fingers को एक साथ रखिए, कंधे को थोड़ा झुकाइए और इस तरह से लेफ्ट टू राइट आपको जाना है, और फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड से लेफ्ट कंधा, राइट हाथ से राइट कंधा, 2 बार आपको ये स्टेप करना है, और फिर हाथों को ऊपर उठाते हुए एक बार लेफ्ट में एक बार राइट में 2 times आपको ये स्टेप करना है। सिंपल, हाथ को एक दूसरे के ऊपर आपको घुमाना है, और फिर स्टेप आ रहा है कोई टो टो ना लागे, लागे जो आपका स्ट्रेच हो रहा है उसमें ये ऊपर हाथ वाला स्टेप है। तो लास्ट में आता है किस तरह गिरहा ये सुलझे, तो उसमें हमें दोनों हाथों को फ्रंट में लेके 3 times ऊपर लेकर आना है और क्रॉस करना है। देखिए 1 then 2 then 3, बहुत ही प्यार से नज़ाकत से। अब दोनों हाथ हमारे ऊपर पहुंच गए, क्या करेंगे, अब हाथों को घुमाते हुए सिमिलरली इन्हें नीचे ले आइए और फेस को साइड में ही रखिएगा, दैट्स इट। तो ये था आपका ट्यूटोरियल के सारे स्टेप्स।